नमस्कार। आज हम जानेंगे ऋग्वेद में मंडलों के बारे में। 10 मंडल हैं, उन 10ों मंडल के बारे में करके जान लेते हैं। ये जो मंडल हैं, ये सूक्तों का समूह है। और सूक्तों का समूह मतलब सूक्त जो थे वो मंत्रों का समूह, यानी मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है और सूक्तों के समूह को मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का ये हिस्सा है और यहाँ पे 10 मंडलों का जिक्र किया गया है। 10 मंडलों में से जो सबसे प्राचीनतम मंडल है, वह 2 और 7 मंडल को सबसे प्राचीनतम मंडल कहा जाता है। और इनको ब्राह्मण मंडल या और कौन से ब्राह्मण मंडल और गो मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा 1 और 10 जो मंडल है, 1 और 10वां जो मंडल है वो नवीनतम मंडल है। ठीक है। 1 और 10वां मंडल जो है वो कौन सा मंडल है? नवीनतम मंडल। अब ऐसा क्यों? देखिए, दूसरा मंडल प्राचीनतम है और एक मंडल नवीनतम कैसे हो गया, यही यहाँ पर सोचने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर होता है, सोचने को डाउट आएगा अंदर, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हमें बाद में मिली तो हम वो क्या करेंगे उसको बाद में, जो है अध्याय, जो मान लीजिए पहले की चीज़ें हमें बाद में मिली, तो जैसे अग्नि का दूसरे मंडल में क्या है, अग्नि की उत्पत्ति के बारे में, और पहले मंडल जो है अग्नि के बारे में। तो इसलिए भाई अग्नि के बारे में जानकारी यदि मिल रही है तो वो पहले मंडल में जाएगी, इसीलिए उसको पहले मंडल में डाल दिया गया है। और इसलिए पहले मंडल जो है हमारा नवीनतम मंडल है, क्योंकि उसकी जानकारी हमें बाद में मिली। और दूसरा मंडल जो है, क्योंकि उसमें अग्नि की उत्पत्ति के बारे में है, तो इसीलिए उसको हमने प्राचीनतम मंडल में डाल दिया। तो इसलिए क्या है, सूर्य, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, सूर्य देवता की स्तुति। इसके अलावा यदि मध्य मंडल की बात की है तो 8वां 9वां जो मंडल है वो मध्य मंडल कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ है कि 2रा 7वां प्राचीनतम मंडल है, 8वां 9वां मध्य मंडल है, और 1 और 10वां जो मंडल है, 2 से 7 जो है प्राचीनतम मंडल है, सॉरी 2 से 7 प्राचीनतम मंडल है, और 1 और 10वां जो है नवीनतम मंडल है, और 8वां 9वां जो है मध्य मंडल है। ठीक है। तो ये थोड़ी जानने वाली थी। इसके अलावा सूर्य देवता की स्तुति में गायत्री मंत्र जो है वो, या उनका आह्वान किया गया है, गायत्री मंत्र जो है पढ़ा गया है। ठीक है, मंडल में। और इसके अलावा रचयिता जो थे गायत्री मंत्र के, जो रचयिता थे उन्हें विश्वामित्र जो थे वो गायत्री मंत्र के रचयिता थे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवेश धीमहि धियो 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 यो न प्रचोदयात्। ये हमारा गायत्री मंत्र है और तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। तो पूछ लिया जाता है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है, यानी कि सबसे प्राचीनतम मंडल 207 जो हमारे मंडल हैं उसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 7वें मंडल में दसराज युद्ध के बारे में मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था। दसराज युद्ध जो है 10 जन के बीच में, यानी कि, और इसके अलावा 3 जन के बीच में, यानी कि जो हमारे किसके बीच में हुआ था, सुदास, जो राजा सुदास थे, कुरु जाति के राजा सुदास, और इसके अलावा 10 जन के, 10 जन के जो राजा थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन सी नदी किनारे? पुष्णी नदी किनारे। भरत जाति के राजा भरत जाति के राजा सुदास और किसके बीच में हुआ था? पुरु जाति के राजा के बीच में, ये परुषणी नदी के किनारे जो ये बुद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें कि सुदास जो राजा थे वो विजयी रहे, और उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को किसकी जगह बिठा दिया? गुरु विश्वामित्र की जगह बिठा दिया था, जो कि गुरु किसके थे? पुरु जाति के राजा के गुरु थे। तो ये हमारा दसराज युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास का सबसे पहला युद्ध भी माना जाता है, जिसका जिक्र हमें 7वें मंडल में मिलता है। 10 जन और भारत जाति के राजा सुदास के बीच में यह हुआ, और इसमें सुदास अपने गुरु वशिष्ठ को, अपने गुरु को कहाँ बिठाने हुए, जो कि अपने गुरु को पद पर बिठाने में सक्षम हुए, यानी कि वो उनको जीत कर बिठा पाए। परोशनी नदी के किनारे, परोशनी, परोशनी बोलते हैं, परोशनी नहीं है ये, परोशनी है, ऐसा गलती से यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, सॉरी उसके लिए। इस नदी का सही नाम है परुषणी, परुषणी नदी, रावी नदी इसे कहा जाता है। परोशनी की जगह इसको परोशनी कर लेना प्लीज़। आगे 9वें मंडल में सोमरस, यानी कि सोमरस का जिक्र मिलता है। बाइन जो कि सोमरस, इंद्र जो थे वो सोमरस का पान किया करते थे। ठीक है। और ये माना जाता है कि सोमरस को पढ़ने के बाद अमृत को प्राप्त हो जाता है आदमी, यानी अमर हो जाता है, तो इस तरीके से माना जाता था। और इसकी जो प्राप्ति होती थी वैदिक में, हिमालय को हिमवंत और एवरेस्ट को मूजवंत, यानी कि मूजवंत एवरेस्ट को कहते थे और हिमवंत हिमालय को कहते थे, और वहाँ से इसकी प्राप्ति होती थी, और इसके पौधे वहाँ से लाकर सोमरस को निकाला जाता था। 10वें मंडल जो है नवीनतम मंडल माना जाता है। इसमें पुरुष सूक्त और शूद्र जाति का जिक्र मिलता है। पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी इसी मंडल में मिलता है, और पहली बार विश्व की उत्पत्ति का भी उल्लेख यहीं पर 10वें मंडल में ही मिलता है। और इंद्र को सोमरस पान करने वाला देवता माना जाता था, इंद्र को सोमपान करने वाला देवता माना जाता था। तो ये था हमारे मंडलों के बारे में, और आगे हम लोग चलते हैं।
इसके अलावा देखिए ऋग्वेद में सर्वप्रथम विष्णु का उल्लेख मिलता है। ये हमने देखिए ऋग्वेद में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है, विष्णु का उल्लेख मिलता है। और सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख भी हमने देखने को ऋग्वेद में मिलता है। और कहा जाता है कि समस्त वर्णों का उदय विष्णु के समस्त अंगों से हुआ, ऐसा माना जाता था। ठीक है, और इसकी धारणा चलती रही बहुत दिनों तक, अभी चल रही है। गोत्र विष्णु और वर्ण शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है और लिखे गए ये उत्तर वैदिक थे। लिखे तो ये उत्तर वैदिक में गए थे, लेकिन इनका जिक्र जो है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। चलिए अब हम जानते हैं छह दर्शन जो शास्त्र हैं उनके बारे में और उनके प्रतिपादक कौन हैं। ठीक है, इसमें जो सांख्य दर्शन था, उसके अलावा जो है अगला था आपका योग दर्शन, फिर न्याय दर्शन, फिर वैशेषिक दर्शन, और इसके अलावा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये हमारे कुछ दर्शन थे और इनकी कुछ जो विवरण है इनके बारे में, आधार ग्रंथ इनके कौन से थे और प्रतिपादक कौन से हैं, तो बहुत कुछ इसमें दिया गया है, आप इसको देखिए। सांख्य दर्शन थे, इसके प्रतिपादक जो थे वो कपिल मुनि थे, और इसके आधार ग्रंथ जो था वो सांख्य सूत्र था। इसमें जो है मूल तत्व यानी 25 हैं, ये इसकी बात कही गई है, जिसमें कि प्रथम तत्व प्रकृति है। ठीक है, जगत का क्रम विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण हुआ, यानी जगत का जो क्रमिक विकास हुआ है वो क्रमिक विकास हुआ है प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण, यानी प्रकृति इतनी सहजता से क्या करती है, अपने अंदर सब कुछ समाये रहती है, और उससे पूरी प्रकृति का विकास धीरे धीरे होता चला गया, एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत होता चला गया। जैसे सत, रज और तम, ये तीनों गुण का सिद्धांत जो है यहाँ अपनाया गया है, और ये तीनों का जिक्र भी किया गया है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, यानी सब भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन किसी को माना जाएगा वो है सांख्य दर्शन, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि जी थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि जी हैं, और इसका आधार ग्रंथ है वो है योग सूत्र, और विश्व का सर्वाधिक प्रचारित और सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ जो है भारतीय दर्शन में जो है वो योग दर्शन ही है। आत्मा नियंत्रण तथा आत्मयातना को सर्वोपरि माना गया, यानी इस दर्शन के थ्रू आत्मा पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है और आत्मयातना को जो है सर्वोपरि, यानी आदमी को यातनाएँ मिलती हैं कहीं ना कहीं मरने के बाद, तो ये भी जो है इसमें सर्वोपरि माना गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएँ बताई गई हैं, यानी मोक्ष पाना है, यानी इस जीवन से मोक्ष पाना है, ये शरीर रूपी जो शरीर से मोक्ष पाना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है क्या करना होगा, आत्म और आत्मयातना और आत्मयातना को ना झेलना पड़े, तो कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ये सब इसके अंदर जिक्र मिलता है। न्याय दर्शन जो है ये क्या है, ये अक्षपाद गौतम जी, यानी गौतम जी इसके प्रतिपादक हैं, और ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया है इस दर्शन के अनुसार। और वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृति सभी पदार्थों जैसे श्रेष्ठियों को मानते हुए के द्वारा स्वीकृति सभी पदार्थों जैसे श्रेष्ठियों को मानते हुए उनमें एक नया पदार्थ का अभाव जोड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन है, यहाँ पर ये वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन जो था वो न्याय सूत्र इसका जो है आधार ग्रंथ है, यानी न्याय दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो अक्षपाद गौतम जी हैं। ठीक है, इसमें जो है विवरण के तौर पे बहुत कुछ है, वो आप देख सकते हैं। विश्व को ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है, ये ईश्वर को क्या मानता है कि पूरे विश्व का सृष्टि जो कि जो पूरी विश्व के रचयिता हैं वो ईश्वर हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा दर्शन है वो वैशेषिक दर्शन है, इसका जो आधार ग्रंथ है वो वैशेषिक सूत्र है, और प्रतिपादक इसके हैं कड़ाद, उसके अलावा लूक भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कड़ाद को माना जाता है। और इसमें सबसे बहुत सारे इसमें विवरण दिए हैं विश्व का यथार्थवादी, ठीक है, विश्व का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक, वस्तुवादी, ठीक है, ये सब दर्शन की बातें इसमें होती हैं। सभी वस्तुओं को पंचमुख भूतों से समाहित माना गया है, ठीक है, इसके अलावा विश्व के प्रमाणिक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष प्राप्ति होती है। यानी कहने का कि आत्मा का जो सबसे आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः यानी आत्मा को पहचान लेना, यानी तो ये मोक्ष माना जाता है। ठीक है, आत्मा को पहचान लोगे आप पूरी तरीके से तो मोक्ष माना जाएगा। अगला देखिए पूर्व मीमांसा, वेदों के कर्मकांड संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है ये, और इसके जो जैमिनी हैं कौन हैं, इसके प्रतिपादक जैमिनी हैं, और जो आपका आधार ग्रंथ है वो है पूर्ण मीमांसा सूत्र, यानी जो आधार ग्रंथ कौन सा है, पूर्ण मीमांसा सूत्र है। इसके अलावा पूर्व मीमांसा जो है इसमें जो विवरण मिलता है वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है, क्या मानता है, वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है। उत्तर मीमांसा जो था या वेदांत भी इनको कहा जाता है, और इसके जो कह सकते हैं कि प्रतिपादक जो हैं वो कौन है, वेद व्यास जी हैं,
और ब्रह्म सूत्र जो है इसका आधार ग्रंथ है। केवल ब्रह्म को ही सत्य माना है इन्होंने, और जीवात्मा के ब्रह्म में तीन होने पर ही मोक्ष प्राप्त होती है। ठीक है, जीवात्मा के ब्रह्म में तीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके अलावा कुछ महापुराणों की बात करें तो यहाँ पे संख्या में महापुराण हमारे 18 हैं। संकलनकर्ता महापुराणों कौन है? लोमर्स ऋषि, जो कि वेद व्यास के पिताजी हैं। यदि पूछा जाता है कि बताइए महापुराणों का संकलनकर्ता कौन है, तो लोमर्स ऋषि जी है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी लेकिन अंतिम रूप में उसको पूरा करने वाले वेद व्यास उनके पुत्र थे, उनके पुत्र वेद व्यास। तो वेद व्यास किसके पुत्र है? लोमर्स ऋषि के पुत्र है। सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। इसके अलावा 18 पुराण है। मत्स्य पुराण में जो है भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था, सबसे पहला अवतार भी उनका ही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था, जो पृथ्वी थी वो जलमग्न हो गई थी और इन्होंने मनु की क्या की थी, इन्होंने मनु की सहायता करके पृथ्वी को बचाया था। तो ये था हमारा मत्स्य जो है इन्होंने अवतार लिया। तो इसके अलावा ये जो इसका जो मत्स्य का जो है जो जिक्र मिलता है, सातवाहन वंश का जिक्र भी इसमें मिलता है, यानी कि जो मत्स्य पुराण है इसके अंदर सातवाहन वंश का जिक्र भी मिलता है। इसके अलावा हम रामायण की बात करें तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। इसमें लगभग जो है मूलतः 6000 श्लोक थे और वर्तमान में 24000 श्लोक हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे खोज होती चली गई और सूत्रों की संख्या इसमें जुड़ती चली गई। इसके अलावा क्या होता है, कांड जो है इसमें 7 हैं। बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, अयोध्या कांड है, उसके बाद अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड जो है वो आपका जो है बाल कांड है, और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। युद्ध कांड को लंका कांड कहते हैं, उत्तर कांड को लवकुश कांड कहते हैं। महाभारत की बात करें तो इसके रचनाकार हैं वेद व्यास जी, और नाम जय संहिता इसका था। सबसे पहले 8800 इसमें श्लोक हुआ करते थे, यानी श्लोकों के आधार पर इसके तीन नाम बन चुके हैं। पहला नाम था जय संहिता 8800 श्लोक, उसके बाद भारत यानी कि 2400 श्लोक, और उसके बाद महाभारत यानी कि 1,00,000 श्लोक। यानी महाभारत नाम इसलिए बढ़ गया क्योंकि 1,00,000 श्लोक इसमें होगा। अभी श्लोक बढ़ते चले गए क्योंकि धीरे धीरे खोज होती चली गई और श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई। तो ये थे हमारे पूरा का पूरा आपका तीसरा वैदिक काल से जुड़ा हुआ लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया मंडलों के बारे में। 10 मंडल हैं, 2 और 7 जो है प्राचीन, 2 से 7 प्राचीनतम मंडल, 1 से 10 तक नवीनतम मंडल, और 8 और 9 मध्य मंडल। और सब पहला मंडल जो नवीनतम मंडल क्यों है, क्योंकि इसमें अग्नि की उत्पत्ति का जिक्र नहीं है, इसमें अग्नि का जिक्र है, और दूसरे मंडल में अग्नि की उत्पत्ति का जिक्र है। इसके अलावा 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में मिलता है, 9वें मंडल में सोमरस के बारे में जिक्र मिलता है, और 10वें मंडल में पुरुषोत्तम या शूद्र जाति का जिक्र मिलता है। तो ये तमाम हमने आपको बताया मंडल वैदिक युग के बारे में। हमने आपको 6 दर्शन शास्त्रों के बारे में बताया, जिसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से पतंजलि जो है वो संघ प्रतिपादक किसके हैं? योग दर्शन के हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा प्रसारित दर्शन भी माना जाता है। इस प्रकार से हमने आपको रामायण, महाभारत और 18 पुराण के मैं संकलनकर्ता के बारे में बताया। वेद व्यास के पिता लोहमर्थ ऋषि जो है महापुराण के संकलनकर्ता हैं। रामायण के जो रचयिता हैं वो है महर्षि वाल्मीकि, और इसमें मूलतः 6000 श्लोक हुआ करते, वर्तमान में 24000 हैं। इसके अलावा रामायण में कांड है 7, और महाभारत जो है वेद व्यास की रचना है, जिसमें 3 जय संहिता, भारत और महाभारत को श्लोकों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। जय संहिता सबसे पहले, और उसके बाद भारत बोला गया इसको 24000, और उसके बाद महाभारत यानी 1,00,000 श्लोक। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द वैदिक लेक्चर, ये तीसरा वैदिक लेक्चर था। यदि आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उस पर उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेक्चर बोलते समय और उसको रिकॉर्डिंग करते समय कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम बोल जाते हैं लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।